हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मैंने इससे पहले ट्यूटोरियल में आपको बताया एडीएस के बारे में, तो इसमें मैंने लास्ट में बताया था कि हम इनपुट और आउटपुट के बारे में जानेंगे। तो आज का हमारा दोस्तों आउटपुट और इनपुट पर ही लेक्चर है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ये फाइल जो आपकी दिख रही है, इस पर आपको कोई भी अभी आइकन नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने यह टाइमलाइन पर अभी नहीं लाया हूँ। तो दोस्तों, मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ से उठाकर जैसे टाइम लाइन पर लाता हूँ। तो दोस्तों, जैसे मैंने इसको टाइम लाइन पर लाया तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक ग्रीन कलर का आइकन दिख रहा होगा। तो दोस्तों, जैसे ये आइकन दिख रहा है, इससे हमको क्या पता लगता है कि हमारी जो यह क्लिफ है ये टाइम लाइन पर आ चुकी है। तो दोस्तों, अब मैं इनपुट और आउटपुट के बारे में आपको एक बार बता देता हूँ। ये हिस्सा जो दोस्तों आपका है, ये इनपुट है और ये आपका आउटपुट है। ये दोस्तों कब काम आता है, जैसे कि हमको कोई फाइल रेंडरिंग करनी हो, या हम कह सकते हैं कि फाइल बनानी हो जिस फाइल को हम कंप्लीट करना चाहते हैं, स्क्रीन पर ला अपना दिखाना चाहते हैं, उसको हम एक्सपोर्ट भी कह सकते हैं और फाइल भी रेंडरिंग फाइल भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं सबसे पहले आपको शॉर्टकट की के बारे में बता देता हूँ, इसकी शॉर्टकट की का तरीका। तो दोस्तों, जैसे मैंने ये आइकन यहाँ पर लाया, या मैं यहाँ पर भी लाऊँगा, यहाँ पर जैसे भी जहाँ पर भी आप इसको रेंडर करना चाहेंगे जिस तरीके से, तो आपको इसका ये अर्थ सोच सकते हो आप दोस्तों, ये आपको यहाँ पे ही इतना ही इतना कट कर लेगी। मैं सपोज यहाँ तक का इसको रेंडिंग करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आई दबा दूँगा आई। तो दोस्तों, अब मैं इसको जो प्लस रेंडिंग करूँगा तो ये यहाँ तक के और यहाँ तक के बैक, इसका बैक बैक हिस्सा होगा, और मैं इसको यहाँ पर ला के ओ कर देता हूँ। ये दोस्तों जहाँ तक का ये आपको दिख रहा है, इसका ये कलर जो चेंजिंग दिख रहा है, जहाँ तक का मैंने आउट और इनपुट लगाया हुआ है दोस्तों, ये यहाँ तक का ही फाइल बनाएगी। इससे आगे का जो ये आपका एरिया है, ये आपका कट हो जाएगा आगे और पीछे का। आप इसको पकड़कर आराम से ऐसे, या इसको यहाँ करोगे आई कर दोगे ऐसे। इसको एक दोस्तों हटाने का तरीका ये है, इसको आल्ट दबाकर आप और आई करोगे तो ये हट जाएगा। देखो, ये यहाँ से हट गया। इसको हटाने का दोस्तों तरीका भी सेम है, आल्ट और ओ, ये हट गया। ये तो दोस्तों शॉर्टकट तरीका। अब मैं इसको दोस्तों थोड़ा आपका माउस का तरीका जो बता देता हूँ। आप जो ही देख रहे हो, ये आइकन सेट इन आए, देखो इसमें लिखा हुआ आ रहा है, और ये आपका देख रहे आउट ओ। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको देखो ये सेम वही पोजीशन आपको दिखाई देगी। इस पर आउट करोगे ऐसे, यहाँ पर ये आपको आउट दिखाई देगी, और यहाँ इस आइकन पर आप क्लिक करोगे आपको इन आल्ट पॉइंट, तो आपको ये इनसाइड का हट जाएगा आपका, और ये आपका है आउटसाइड का, ये आउट से हट जाएगा। और एक तरीका दोस्तों आपका यहाँ पर है, ये मार्कर देख रहे हो आप, मार्कर एक दोस्तों तरीका आपका यहाँ पर है, सेट इन पॉइंट ओ, सेट आउट ओ। अब ये देख रहे हो सेट इन और आउट पॉइंट टू द सिलेक्टेड क्लिप। अब जो जेड दबा दोगे तो आप ये दोनों आउट और पॉइंट ये दोनों सेलेक्ट हो जाएगी, क्लिप पूरी क्लिप हो जाएगी। देखो आपकी क्लिप पूरी हो गई। अब इसको पूरी क्लिप को आप डायरेक्टली एकदम हटाना चाहोगे तो मार्कर के अंदर जाओगे और इसका यहाँ पे जाओगे क्लियर इन आउट और पॉइंट एक्स कर दोगे और ये एकदम हट जाएगी। जेड और एक्स से आप इसको कम पूरा कर सकते हो, देखो ओके। तो दोस्तों, आज तक का हमारा लेक्चर इतना ही था, और जो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में दोस्तों जानेंगे उसके बारे में दोस्तों मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ किस बारे में है। उस लेक्चर में दोस्तों वीडियो एडिटिंग कैसे होती है और ऑडियो वॉइस कैसे कम बत्ती हो, उसको हम कैसे एक ट्रैक पर ला सकते हैं। ओके दोस्तों।